ये 15 मिनट का चार्ट में आज हमने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया। ओके, जैसे कि हमने इस हमारे हर एक वीडियो में बैंक निफ्टी के और निफ्टी के हर एक वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप जहाँ पर एंट्री लिया वो भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद यहाँ पर नीचे आया तो फिर भी मैंने यहाँ पर ये बड़ी सी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी तभी बताया था, और उसके बाद यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बना तो भी बोला था कि ऊपर ही जाएगा। और इस तरीके से धीरे धीरे दाउ थेरी को, ठीक है, रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पर लिखा है मैंने दाउ थेरी इज़ ऑल्सो रिस्पेक्टिंग अप ट्रेंड। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा टारगेट अचीव हो गया, जो यहाँ पर लॉन्ग था 246 पॉइंट हमें यहाँ पर मिले। मैं यहाँ पे कितने रुपए मिले ये सब नहीं लगाऊंगा, सिर्फ ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। तो यहाँ पे 246 पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिले हैं, और वो एक प्रोसेस था जो हमने 23 अगस्त को शुरू किया था और जो आज सुबह, ठीक है, आज सुबह हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसमें 7 दिन कंप्लीट लगे, लेकिन ये जो पेशेंस का लेवल है, अपने आप के ऊपर भरोसा करने का लेवल है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक ट्रेडर का एक क्या बोलेंगे उसे क्वालिटी होता है। अगर आप यहाँ पे गैम्बलिंग के लिए आ रहे हो और शॉर्ट टर्म के लिए पैसे कमाने के लिए आ रहे हो, तो फिर यहाँ पर आपके लिए जगह नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको परेशानी ही परेशानी मिलेगी। लेकिन अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से मेहनत करके और यहाँ इस तरीके से काम करोगे ना, तो आपको 101% यहाँ पर प्रॉफिट बनेगा। देखो, ये मैंने एक रात में नहीं किया हुआ है। ओके दोस्तों, इसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है, रात रात भर, आधी रात तक जागना, मेहनत करना, पूरे दिन भर बाकी काम करना, फिर शाम को आके स्टडी करना, और ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है जो अगर आपके पास डेडिकेशन है तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। ओके दोस्तों, मैं हूँ श्री शैल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एटीट्यूड में। दोस्तों, यहाँ पर अब क्रूड ऑयल में आगे क्या हो सकता है? देखो, यहाँ तक तो हमारा टारगेट अचीव हो गया, उसके बाद क्या हो सकता है, ठीक है? तो हमने ये टारगेट निकाला था। ओके, और यहाँ पे जो है ना, अब यहाँ तक गया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस रेजिस्टेंस के लेवल तक ऊपर तक जाएगा। अब ये परसेंटेज में है, मैं इसे रेगुलर में कर लेता हूँ, यहाँ तक 6852 तक, लेकिन वो भी चांसेस थोड़े से कम है। ओके, तो अब यहाँ बाइंग साइड पे एंट्री हम अभी नहीं लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आएगा। ओके, और अगर दाउ थेरे को यहाँ पे रिस्पेक्ट करके ऊपर जा रहा है और अच्छी कैंडल, जैसे कि यहाँ पे हैमर है, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार है, यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग वाला है, यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग वाला है, तो ये आपको क्लियर क्लियर दिखाई देना है ना कि मार्केट बस इसी पे चलता है और हम लोग कुछ भी करते हैं, अदर कोई भी चीज़ें ढूंढने लगते हैं। प्रॉपर आपको अगर इस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स मिल रहे हैं, प्रॉपर दाउ थेरे के हिसाब से अगर आपको जगह मिल रही है, तो उसी जगह पर आपको एंट्री लेना चाहिए। अभी आपके लिए मैं एक और एक यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊंगा और यहाँ पे हम देखेंगे कि कहाँ तक आने के बाद हम एंट्री कर सकते हैं। ओके, तो ये 50% का एरिया है, ये हमारे लिए काफ़ी मेजर है, इसके नीचे तो जाने के चांसेस है ही नहीं है, क्योंकि ये जो है ना, ये एक लो है दाउ थेरे के, तो इस लो के नीचे जाएगा तो दाउ थेरे वायलेट हो जाएगा और इस ट्रेंड अप ट्रेंड नहीं रहेगा। तो उसे अगर अप ट्रेंड करना है तो इस 50% मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस 50% एरिया तक ही आएगा, 6600 तक हम पकड़ेंगे इसे, आएगा और वहाँ से ऊपर की साइड जा सकता है। अभी यहाँ पे आपको जो ग्रीन कैंडल दिखा रहा है, ठीक है, ये आगे ऊपर जाने की ग्रीन कैंडल है, तो अभी इसमें फंसना नहीं है बिल्कुल भी, ये ग्रीन कैंडल आपको फंसाने के लिए बना रहे हैं। यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ सकते हैं, मेरे वर्ड्स याद रखना, और अगर शायद ऊपर की तरफ चला भी गया ना तो भी उसमें एंट्री मत करना, क्योंकि ना यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा ग्रीन कैंडल बना के, लेकिन बाद में उतना आपको टारगेट्स नहीं देगा, जैसे अभी यहाँ से कंटिन्यूशन में हमें मिले ना, वो टारगेट्स नहीं मिलेंगे। तो अभी यहाँ पे क्रूड ऑयल में बाइंग साइड पे जाने से थोड़ा सा रुकना, ओके, थोड़ा सा इसको नीचे आने देना है। ओके, मैं क्या कह रहा हूँ, 50% नहीं, लेकिन 38% तक भी अगर आता है यहाँ तक, इस लेवल तक, 6650 के लेवल तक, ओके, तो आप उस वक्त बाइंग के बारे में सोचना, लेकिन अभी मत सोचना। ओके, इसका रीज़न मैं बाद में बताऊंगा आपको। ओके, अभी तो सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। अब चलते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी। ओके, तो अभी बैंक निफ्टी में हुआ क्या है? तो बैंक निफ्टी में ये जो हमारा फ्लैग था, उस फ्लैग को ब्रेकआउट भी दे दिया, ऊपर के सब काफ़ी ज़्यादा बायर है, और बाद में यहाँ पर सेलिंग हुई है। ओके, काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई है, जैसे कि यहाँ पर हुई है। ओके,
जैसे कि ये फ्लैग बनाया था, फिर फ्लैग के नीचे तक सीलिंग हुआ, फिर बाइंग आ गया। अब यहाँ पे भी एक फ्लैग बनाया है, तो यहाँ से, तो इसे क्या बोलते हैं आपको बताएं? ये बैंक निफ्टी, निफ्टी जो होता है ना, वो चार्ट पैटर्न के हिसाब से चलता तो है, लेकिन उसमें ना बहुत ज़्यादा ऑपरेटर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो वो क्या करते हैं कि उन्हें पता होता है कि इसके बाद बहुत ज़्यादा बायर आएंगे ना, तो इनको काटेंगे। ओके, तो ये जानबूझकर नीचे तक लाया गया हुआ एक सेलिंग हो सकता है। ओके, होगा नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है, जानबूझकर सेलिंग करते हैं और उसके बाद यहाँ से ऊपर के साइड पे बाइंग ले जाते हैं। तो जितने भी बायर यहाँ पर आए ना, आप देखो ये इसमें जितने भी बायर आए हैं ना, वो सारे के सारे बायर्स के स्टॉप लॉस हैंड करवा दिए यहाँ से। ओके, मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनका फ़ायदा नहीं होना चाहिए, और जो भी इस साइडवेज में फंसे हैं ना, उनके सभी के स्टॉप लॉस गए, सब लॉस में गए। जब तक इन लोगों को लॉस नहीं होगा, तब तक इन लोगों को, ऑपरेटर्स को प्रॉफिट नहीं होगा। ओके, तो ये यहाँ पे इन लोगों ने जो स्टॉप लॉस लगाया है ना, वो स्टॉप लॉस इन्होंने ले लिए सस्ते में ले लिए इनके पास से सभी शेयर्स। ओके, अब ये ऊपर जाके बेचेंगे उन शेयर्स को, समझे? इनके पास की क्वांटिटी बढ़ाते हैं वो लोग आपके स्टॉप लॉस हटाकर, तो उनका प्रॉफिट बढ़ता है ना, क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना। तो बस यही है, अदरवाइज चार्ट पैटर्न भी यहाँ पे भी चलता है। तो अभी यहाँ से देखो, अभी इसको हम काउंट करेंगे ना, तो ये 0.78 की लेवल तक आएगा। अब यहाँ से देखो, इस लो से आ सकता है। ओके, मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे, उसके आसपास तो आएगा। देखो 0.786 आ गया, देखो इस लेवल पे आने के बाद ये कैंडल बना है। तो अभी मैं देखा भी नहीं था, आपको लगेगा कि मैं वीडियो बनाने से पहले, लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं है, मैंने नहीं देखा था ऐसा। तो इस लेवल से अब ये ऊपर जाएगा, तो मैं हमेशा जो बोलता हूँ ना, 0.786 एक ऑपरेटर लेवल है, वो इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि ऑपरेटर क्या करता है कि उस लेवल तक सेलिंग करता है, उसके बाद बाइंग करता है। तो इस लेवल पर यहाँ पे बाइंग अब होगी, कल शायद बैंक निफ्टी में बाइंग देखने को मिलेगी। तो आप अच्छा स्टॉप लॉस लगाकर अगर आपको ऊपर के साइड पे जाना है तो जा सकते हो। ओके, अब निफ्टी, निफ्टी में सेम वही हुआ है, यहाँ पे बेरिश फ्लैग था, तो हमने ये सोचा था कि ये एक पोल है और ये एक फ्लैग है, समझो यहाँ पे हम निकाल के ही देखते हैं। निफ्टी काफ़ी कंफ्यूजिंग है, देखो ये अगर हम इसको फ्लैग मानते हैं, तो मैंने आपको बोल दिया है इस रेंज में ट्रेड ही नहीं करना है हमें निफ्टी में। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, इसको ब्रेक करने के लिए काफ़ी ताकत लगी, इस फ्लैग को ऊपर के साइड पे आया, फिर नीचे आ गया। ओके, तो अभी थोड़ा वेट करो, निफ्टी में ना ये लेवल 19,500 और 19,250 के बीच में ट्रेड मत करना। ओके, को सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ओके, तो अभी क्रूड में चलते हो, देखो क्रूड में ना आपको मैंने क्या बोला था, आपको मैं पहले ही बोल दिया था ना, ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट निकाल देंगे। मैंने आपको क्या बोला था कि इस वाले ग्रीन कैंडल में एंट्री मत करना, पहले ही बोला था, जैसे ये बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा था ना, तो ये नॉलेज होता है दोस्तों। ओके, तो ये नॉलेज आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट पर बैठोगे, हर रोज़ 2 से 3 घंटे चार्ट पर बैठना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स देखने पड़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कैंडल स्टिक पैटर्न देखने पड़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स देखने पड़ेंगे, मूविंग एवरेज कैसे काम करता है ये देखना पड़ेगा, ये सब स्टडी करने के बाद। और उसके लिए आपको चाहिए उस जो भी ये प्रोफेशन है हमारा, उसके लिए प्यार अंदर से। ओके, और एक अंदर से आपको इच्छा होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे ही नहीं है यूँ ही पैसे कमाने के लिए आ गए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये अच्छा लगा है, एजुकेशनल लगा है वीडियो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।